जाता है तो ए सर्टिफिकेट वाले को 2 अंक, बी सर्टिफिकेट लेने वाले को 3 अंक और सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले को 5% अंकों का वेटेज मिलता है, जो अन्यतर अन्य विद्यालयों में आसपास के इस क्षेत्र में यह व्यवस्था नहीं है। एनसीसी की यह व्यवस्था आपके अपने विद्यालय के अंदर है। इसके बाद म्यूजिक, गायन के क्षेत्र में प्रतिभा निखारने हेतु संगीत विषय को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। और मैं फिर से आपका मैं आपको ले चलता हूँ खेलों के क्षेत्र में, और यहाँ पर मैं अपने डीपी श्री ललित मोहन जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा कि इनके मार्गदर्शन में खेलों में हमारे विद्यालय का विशेष योगदान रहा है। तो आइए ले चलते हैं खेलों की तरफ। राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में 2 लड़कों का चयन, यानी नेशनल लेवल पर बैडमिंटन में 2 लड़कों का, आपके विद्यालय के 2 लड़कों का चयन हुआ। ग्रामीण खेल महासंघ क्रिकेट प्रतियोगिता में नेशनल लेवल पर फिर से 2 लड़कों का चयन हुआ, जो हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे विद्यालय के लिए गर्व की बात है, हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। ग्रामीण खेल महासंघ क्रिकेट प्रतियोगिता में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 लड़के का चयन हुआ। स्पैक, जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ। पिछले साल स्पैक में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा परवीन सन ऑफ नरेश कुमार फ्रॉम जयपुर, जिसको 2500 रुपए हर महीना छात्रवृत्ति मिल रही है। राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में हमारी 4 बेटियों का चयन हुआ। राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में 1 लड़के का चयन हुआ। जिला स्तर पर हमारी लड़कियों की क्रिकेट टीम का चयन हुआ। यहाँ पर देखिए हमारी बेटियां हमारे विद्यालय के लिए और अपने क्षेत्र के लिए नाम रोशन कर रही है। इसके बाद खेल दिवस, द्रोणाचार्य खेल दिवस में कुल विद्यालय में से 750 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें खेलों के अंदर 425 पदक बांटे गए और लड़कियों के कनिष्ठ वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एकता डॉटर ऑफ विजय व बॉयज की तरफ से जयप्रकाश घोषित किए गए। इसके बाद हम ले चलते हैं कि हमारी मैनेजमेंट जा रही है और इसके लिए विशेष प्रकार की पेंटिंग वाले कक्षा कक्ष तैयार हो चुके हैं, आपने देखे भी होंगे, जिसमें बच्चे हंसते खेलते सीख सके। दूसरी एक विशेष बात होती है कि हम अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय में छोड़ने हेतु विद्यालय की बसों का इंतजार करते रहते हैं और उनके लिए हमारे अभिभावक हमारे या अन्य जो भी विद्यालय हैं उनकी बसों का इंतजार करने के लिए विशेष रूप से मॉर्निंग व इवनिंग के समय वहाँ पर 10-15-20 मिनट अपना कीमती समय व्यर्थ और नष्ट करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय ने नए सत्र से, यानी अप्रैल 2014 से नर्सरी के बच्चों के लिए डोर टू डोर लाने व छोड़ने के लिए विद्यालय द्वारा छोटे छोटे और हल्के वाहन खरीदे जा रहे हैं, ताकि विशेष यातायात की सुविधा आपको प्रदान की जा सके और आपके नन्हे मुन्ने को आपके दरवाजे से लाया जाए और छुट्टी के बाद आपके दरवाजे पर छोड़ा जाए। ये हमारे विद्यालय ने नए सत्र से ऐसी सुविधा आपको दी। इंडोर गेम्स व जिम की सुविधा इसी सत्र से शुरू की जा रही है। भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में, जैसे IIT, AIEEE, PMT, सैनिक स्कूल, स्पोर्ट स्कूल आदि की तैयारी हेतु विशेष व अनुभवी स्टाफ की व्यवस्था
नए सत्र से आरंभ की जा रही है, अर्थात नए सत्र से विशेष स्टाफ द्वारा आपके विद्यालय में इन सभी कोचिंग कक्षाओं की सुविधा होगी। रेवाड़ी हमें बार बार यह सुझाव मिला है हमारे माननीय अभिभावकगणों का कि विद्यालय सीबीएसई से हो गया, सुविधाएं सभी होगी, लेकिन स्टाफ ग्रामीण अंचल का है, तो इसके लिए इसी सत्र से रेवाड़ी व गुड़गावा से विशेष स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है, अर्थात आपके विद्यालय में आने वाले इसी सत्र से अप्रैल 2014 से रेवाड़ी व गुड़गावा से स्टाफ होगा। इसी सत्र से आपके विद्यालय में एएनएम बीएससी नर्सिंग के कोर्स आरंभ किए जा रहे हैं तथा जीएनएम पोस्ट बेसिक नर्सिंग व डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी की प्रक्रिया जारी है। खेलों में विशेष बल देते हुए नए सत्र से एक और विशेष कोच की व्यवस्था की जाएगी। एक और कोच की नियुक्ति इसी सत्र से आपके विद्यालय में होगी ताकि खेलों में और निखार आए। ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी जो बच्चे होते हैं उनको अंग्रेजी बोलने की झिझक होती है, और जैसा कि सुबह हमारे जो स्पीकिंग क्लास के जो इंचार्ज थे समीर जी जो आपके बीच में आए थे, हमारी मैनेजमेंट ने इसी कमी को पूरा करने के लिए इसी सत्र से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लागू किया है जो पूर्णतया निशुल्क होगा ताकि आपका बच्चा अंग्रेजी बोलना सीख सके। और हमारा ये मिशन है एक साल के अंदर हम अपने इलाके के बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। और अंत में इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि जब नाव जल में छोड़ दी तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या बस धार। धन्यवाद। 500 रुपए इनाम दिया है, जोरदार तालियां सोमवीर सिंह लोहान जी के लिए। Now, let me invite our honorable guest, Shri Jitendra Singh Ahlawat, President, RUPSA, to present their views. You are welcome, sir. अब मैं हमारे अतिथि आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह अहलावत को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आज के द्रोणाचार्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कल्चरल एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के शुभ अवसर पर मैं अपने मुख्य अतिथि आज के फंक्शन के और सभी एजुकेशनिस्ट डायरेक्टर्स चेयरमैन और समाज के प्रतिष्ठित लोगों का और पेरेंट्स स्टाफ सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस मौके पे मुझे यहाँ इस प्रोग्राम को देखने के लिए जो मुझे निमंत्रित किया गया उसके लिए मैं वीरेंद्र जी का और स्कूल के मैनेजमेंट स्टाफ बच्चों सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस मौके को हम शुभ अवसर कहते हैं। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत ऐसे मौके आते हैं जहाँ जो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि समाज के व्यवस्था में ऐसे मौके बहुत ही ज्यादा शुभ माने जाने चाहिए कि जब समाज पेरेंट्स और प्रतिष्ठित लोग मिलके अपने बच्चों के काम को और उनके अध्यापकों के काम को देखने का समय निकालते हैं, उनको सराहने का समय निकालते हैं। आपका देखना और सराहना इन बच्चों के लिए और इन अध्यापकों के लिए सालों साल की एनर्जी देके जाता है। तो मैं इस मौके पे आपका सब आने सबका इस यहाँ पे आकर इन बच्चों स्टाफ का मनोबल बढ़ाने के जो आपने समय दिया है इसके लिए मैं अपनी तरफ से भी आप सभी का यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे पेरेंट्स और हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग आने वाली पीढ़ी के लिए
ये जो उनको ताकत देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए आप यहाँ आए। स्कूल के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में दो शब्द कहने से पहले मैं थोड़े से आपसे अपने तजुर्बे के आधार पे इस फील्ड में, क्योंकि मैं काम करता हूँ शिक्षा के, हालांकि मुझे पता है सभी आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल